ठहर बदमाश, सारे मोदक तुम अकेले नहीं खा सकते गणेश। मुझे पता है माँ, आप गुस्सा नहीं हो, क्योंकि माँ का सुख बेटे के पेट भरने से ही होता है। कितना नटखट हो गया है मेरा गणेश। ये सब मुंह लटका के क्यों बैठे हैं? क्या हुआ दोस्तों, उदास क्यों बैठे हो? प्रभु, हम पुराने खेल खेल कर उकता गए हैं, कुछ नया खेलना चाहते हैं, किंतु समझ नहीं आ रहा कि क्या खेलें। समस्या तो गंभीर है। वाह, मिल गया नया खेल। तुम सब आसपास बिखरे फूल पत्ते उठा ले आओ जल्दी। जो आ गया प्रभु की। ये क्या है प्रभु? इसे गेंद कहते हैं। बाल श्री कृष्ण इसी तरह की गेंद से खेलते थे। अब हम खेलेंगे। मैं इसे उछालूंगा और तुम्हें इसे पकड़ना होगा। जो भी इसे पकड़ेगा वो इसे दोबारा उछाल देगा। समझ गए? समझ गए। तो ये गई गेंद हवा में। प्रभु, ये खेल तो बहुत मजेदार है। अब देखता हूँ कोई कैसे पकड़ेगा मेरी फेंकी गेंद को। आगम, गेंद तो बहुत बड़ी हो गई है। प्रभु, इस गेंद के आगे कोई आ गया तो वो मर भी सकता है। ये कैसा घोर अनर्थ कर दिया मैंने? मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, यही मेरी नियति है। प्रभु, उधर देखिए, ऋषि मुनि। ऋषि, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। ऋषिवर, आप जानते बूझते मृत्यु के सामने क्यों खड़े हुए? मैं पापी हूँ प्रभु, मेरे साथ ऐसा होना ही सही है। मैं पूरी बात सुनना चाहता हूँ ऋषिवर। प्रभु, भगवान शिव की पूजा के लिए मुझे सोने चांदी की आवश्यकता थी, जिसे पाने के लिए मैं राजा अमय के पास पहुँचा और वहाँ मैं आपकी आवश्यकताओं को पूरा करूँगा ऋषिवर, किंतु आपको शिव की नहीं मेरी पूजा करनी होगी। मुझे अपना भगवान समझिए। क्षमा राजन, मैं ऐसा करके अपने शिव का अपमान नहीं कर सकता। तो जा पाखंडी, जाकर अपने शिव से ही सोना चांदी मांग, हमारे पास कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। राजा अमय के वो कड़वे शब्द मेरे लिए असहनीय होते जा रहे हैं प्रभु, मैंने अपने शिव के लिए ऐसी बातें सुन कैसे ली। मेरे महादेव का अपमान मैं छोड़ूंगा नहीं उस राजा को। शांत नंदी, राजा अमय कोई दुष्ट पापी नहीं, वो अभी अहंकारी हुआ बैठा है। हमें तो बस उसके अहंकार को तोड़ने की आवश्यकता है। आप चिंता ना करें ऋषिवर, आपकी पूजा होगी, वो भी राजा अमय के हाथों। तुम जीत गए अगम। जैसे कृष्ण भगवान ने गेंद से खेलते हुए कालिया नाग को मारा था, वैसे ही हम राजा अमर के अहंकार को भी मारेंगे। अब क्या करना है प्रभु? ये करना है, बोलो अलख निरंजन। अलख निरंजन। महामंत्री, आज भिक्षा मांगने कोई भिक्षु नहीं आया। अलख निरंजन। अलख निरंजन। आप महान है राजन, इधर आपने भिक्षा की बात की और उधर भिक्षु का है। बोलो ऋषिवर, क्या मांगते हो? ऋषि मुनियों के आने पर पहले स्वागत होता है राजन, तुम तो भिक्षा देने की बात करने लगे। बेकार की बातों से समय नष्ट मत करो ऋषि, बोलो क्या मांगते हो? सुना है राजन, तुम अपने आप को भगवान समझने लगे हो, अपनी पूजा करवाना चाहते हो। सही सुना है। हम तुम्हारी पूजा करने को तैयार है राजन, किंतु एक शर्त है। कैसी शर्त? आपको मेरे सर के इस एक बाल के वजन के बराबर सोना चांदी देना होगा,
और हमें भर पेट भोजन भी करवाना होगा। कहिए, स्वीकार है? ओ ऋषि, मांगना ही था तो कुछ ऐसा मांगते जिससे तुम्हारा जीवन बदलता। महामंत्री, दोनों शर्तें पूरी की जाएं। तो प्रतीक्षा कैसी महामंत्री? सिक्का डालिए और बाल का वजन कर दीजिए। जी महाराज। क्या तुम लोगों को मोदक बनाने आते हैं? जी महाराज। तो बना कर लाओ पुत्र। जो आज्ञा ऋषिवर। मुझे तो गुड़ के लड्डू खाने हैं। मुझे तिल के लड्डू और मोदक खाने हैं। मेरे और इनके लिए भुजिया और आलू की सब्जी लाइए हलवे के साथ। और मेरे लिए वो सब लाइए जो सबने मंगवाया है। जो आज्ञा ऋषिवर। अधिक खाने से पेट गड़बड़ हो जाता है नंद ऋषि। जब तुम्हारा पेट गड़बड़ करे तब बताना, वैद्य को बुला लेंगे। इससे भी बड़ा तराजू लाओ। जाने कौन ऋषि है ये, कितना खाते हैं? आज तो बुरे फंसे। राजकोष खत्म हो गया तो क्या हुआ राजन? अपनी राजगद्दी, आभूषण और इस मुकुट से भी तो तोल सकते हो मेरे बाल को। महामंत्री, राजगद्दी लाओ। जो आज्ञा प्रभु। अरे पुत्र, थोड़ा जल्दी जल्दी लाओ, भोजन कब का खत्म हो गया है। प्रभु, ऋषि के बाल वाला पलड़ा तो ऊपर उठने का नाम ही नहीं ले रहा। उठ जाएगा मंत्री जी, उठ जाएगा। राजन की पत्नी के गहने जो बचे हैं, ले आओ। क्यों ऋषिवर? अब मैं क्या कहूँ नंद ऋषि, ये जाने और इनका काम जाने। महामंत्री, हमें यहाँ क्यों बुलाया है महाराज? रानी, हमें आपके आभूषण चाहिए। किंतु परंतु का समय नहीं है रानी, आप आभूषण दीजिए। लगता है ऋषियों का पेट भर गया, तभी तो डकार ले रहे हैं। और लाओ पुत्र, हमें भूख लगी है। हे भगवान, अब कहाँ से लाऊं इनके लिए भोजन? प्रभु, हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची, तो अब इस बाल का वजन कैसे होगा? महाराज, एक समस्या और है। इन साधुओं ने सारे अन्न भंडार चट कर दिए हैं, किंतु इनकी भूख शांत ही नहीं हो रही है। प्रभु, मुझे लगता है हमें प्रजा से धन और अन्न की वसूली करनी चाहिए। ये प्रजा के साथ अन्याय होगा महामंत्री। ये अन्याय नहीं प्रभु, एक राजा का अपने राज्य के प्रति कर्तव्य होगा। इन ऋषियों के अपमान से बचने का अब यही एक तरीका है प्रभु। ठीक है महामंत्री, वसूली कीजिए। जी महाराज। प्रजा का धन भी चढ़ गया, किंतु बाल का वजन नहीं हुआ। अब क्या करूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। राजन, साधुओं के भेष में अवश्य कोई दिव्य शक्ति है जो आपकी परीक्षा ले रही है। इससे पहले कि कोई अनर्थ हो जाए, इनसे क्षमा मांग लीजिए। रुक क्यों गए पुत्र, भोजन लाइए, साधु भूखे हैं। हाँ, भूखे हैं, भोजन लाओ। क्षमा करें प्रभु, प्रजा से लाया अन्न भंडार भी खत्म हो चुका है। क्या हुआ राजन, तुम तो भक्तों को भरपेट भोजन भी नहीं करवा सकते, कैसे भगवान हो तुम? क्षमा, क्षमा करें प्रभु, मैं अहंकार में आकर ये भूल कर बैठा। आप अवश्य कोई दिव्य शक्ति हैं, मुझे अपना परिचय दे प्रभु। क्या कहते हैं ऋषि भाइयों? प्रभु ये कह रहा है कि जैसी आपकी इच्छा। बाल गणेश की जय, बाल गणेश की जय।
आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ प्रभु। राजन, यदि तुम अहंकार से दूर रहना चाहते हो तो अपने चारों ओर सच्चे मित्रों और सच्चे सलाहकारों को जगा दो, चापलूसों को नहीं। मैं अपनी भूल सुधारूंगा प्रभु, और अपनी प्रजा से माफी मांगते हुए उनका धन लौटा दूंगा, और जिन ऋषिवर को पूजा के लिए मना किया था उनकी पूजा भी करवाऊंगा। किंतु भगवान, जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वो सब तो आपने खत्म कर दिया, तो अब मुझ पर इतना झूठा दोष मत लगाइए माते, मैं दोषी नहीं हूँ। महाराज, महाराज, गजब हो गया, गजब हो गया, अन्न के खाली भंडार यकायक भर गए। बाल गणेश की जय, बाल गणेश की जय।